हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं जा रहा हूँ I-14 की बैक साइड पे, देखने के वहाँ पे बकरा मंडी लगी है, मवेशी मंडी। तो उसका क्या सीन है, कैसे जानवर हैं और अभी एंट्री होने दे रहे हैं कि नहीं होने दे रहे हैं और क्या उनकी SOPs है। सो लेट्स गो। रास्ते के दरमियान में पार्किंग कर गया, ये रॉन्ग से आ रहा है शक्ल। तो रात के टाइम में मुझे नहीं पता विजिबिलिटी कैसी होगी इसकी। मगरिब के टाइम में नहीं निकलता, लेकिन आज क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि पुलिस क्या कर रही है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं मवेशी मंडी देख के आऊँ। मैंने सुना वहाँ पे I-10 की बैक साइड पे मवेशी मंडी लगाई है, तो देख के आते हैं कि उधर क्या हालात हैं। वे बनाया हुआ उन्होंने, उस गली से हो जाना है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे जो है वो लंडा वगैरह शिफ्ट हो गया है इधर का मुन्ना भाई, ये यहाँ से लंडे का सामान मिलता है। पहले सीन ये था कि ये सामान जो है वो सदर में था, सदर से कंटोनमेंट ने साफ़ करवा दिया और सारा कुछ जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ से हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे रहना है, अंडर पास में नहीं गुजरना। वैसे मुझे अंडर पास बड़े अच्छे लगते हैं। रॉन्ग वे से चावल आ रहा है, सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि उमर रसीदा बंदा है, मैंने उसको चावल कह दिया। लेकिन हम छोटे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं, तो वो बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे क्या ही सीखेंगे, छोटे का सिर। अच्छा ये है पेडिस्ट्रियन वॉकवे, आज यहाँ से सारे रॉन्ग वे पे आते हैं। यहाँ से हमने जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाना, ठीक है। अच्छा मज़े की बात देखें, इस साइड पे ये रावलपिंडी है, वो कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और यहाँ पे ये सारा रावलपिंडी में आता है, लेकिन ये रावलपिंडी के दरमियान में अब इस्लामाबाद घुसना शुरू हो गया। सॉरी बाइक, मैंने नहीं देखा, पांचवें गियर में मैंने उठा दिया। और यहाँ पे फुल रश हो चुका है, जिसकी वजह से पहले ये रोड जो है कच्ची सी थी है और इसके ऊपर ये ट्रैफिक जब से चलना शुरू हुई है ज़्यादा, तो धूल बहुत ज़्यादा हो गई है, आंखों में जा रही है। ये देखें ये ट्रक्स हैं, ट्रक्स वगैरह जो हैं वो मवेशी लोड करके वापस अभी पिंडी से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी मैं कोशिश करूँगा मवेशी मंडी के अंदर नहीं जाऊँ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, शाम का टाइम है मेरा मतलब है। मैं अक्सर मॉर्निंग राइड पे इस रोड पे आता होता हूँ क्योंकि आगे सेक्टर I-14, 15, 16 इस साइड पे हैं सारे मेरे राइट साइड पे, तो वो अभी डेवलप नहीं हुए, तो वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी वगैरह है, खेत खलिहान है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होती, पर सुकून जगह। जी हाँ, तो धूल बहुत है। ये चेक करें जी, ये
गेट था, इसको नहीं देखना था, ये जो हम कह रहा था, ये सारी जो फ्लड लाइट लगी हुई हैं ये मवेशी मंडी की ही लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पे सीन पटका, गाड़ी वगैरह मेरे ख्याल से बाहरी पार्किंग है, ये पार्किंग है यहाँ पे सारी, ये मर्सिडीज खड़ी है बीवी। हाँ और लोग एंटर वगैरह हो रहे हैं इसमें मंडी में या नहीं हो रहे हैं, क्या सीन। आपके भाई आपके हैं क्या रेट, क्या चल रहे हैं इस दफा? 30,000, 40,000, 50,000। 30,000 का कौन सा, 40,000 का कौन सा और 50,000 का कौन सा है? 30,000 का कौन सा दे रहे हो इस दफा? 30,000 का कौन सा दे रहे हो? अच्छा, और ये जो हैं बाहर दो बंदे हुए, इनके क्या सीन है? बड़े का 90,000 है और इसका 40,000, वो 90,000 का, ये 40,000 का। अच्छा अच्छा, सफेद का बताना, 55 ये वाला, 55। रेट बड़े आई जा रहे हैं। वो वाला कितने का लाला लगाया? यही है, यही यही वाला 60,000 का। लाला कितने का लगाया ये पूरा? 36,000 जी। इन चाचा का रेट सही है। तीसरा लाला, वैसे जनरल क्या रेट चल रहा है? जनरल क्या रेट चल रहा है? वो सफ़ेद वाला, ये दरमियान में खड़ा जो, ये कितना? 34, 35। कितने का लाला? 65,000। कितने का लाला? 65,000। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत तैयार किया है। घर बता के आया था कि 15-20 मिनट ही बस मैं रुकूंगा वहाँ, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी देर हो गई है, बकरों की तबीयत ख़राब हो रही है।
चले जी मंडी को हम कर रहे हैं अलविदा। अभी रेट बहुत इनके हाई हैं, रश भी बहुत ज़्यादा है। अभी ईद में 10 दिन बाकी हैं, लोगों के घरों में तो रखने की तो जगह होती नहीं है, तो अभी ज़्यादातर जो लेने आए हुए हैं वो चस्का पार्टी होती है, तो ये बात इनको व्यापारियों को भी पता है, उनको पता है मैं लेने नहीं आया यहाँ पे, वैसे ही चस्के लेने आया हुआ हूँ, तो इसलिए इन्होंने जो है वो रेट का भी दे दें। तो बड़े का अभी मैंने नहीं पूछा यहाँ से रेट क्या चल रहा है, बस छोटे का बकरे वगैरह का जो है वो थोड़ा सा रेट पूछा, दुम्बे का और आम बकरे का। तो अच्छा बकरा अभी जो बता रहे हैं ये 50-60 हज़ार का, और जो ज़्यादा अच्छा है थोड़ा बड़ा बकरा है सेहतमंद है उसके 90 हज़ार भी बता रहे हैं। ये देखें यहाँ रश कितना ज़्यादा, ठीक है ये रश चेक करें। और ये कोविड की SOPs ऊपर जो है वो लिखी हुई हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, वियर मास्क ग्लव्स, ये चेक करो मास्क ग्लव्स कोई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ये सामने है हवाड़ की, अवॉइड हैंड शेक, सैनिटाइज़र, बकरे को सैनिटाइज करना है, कोई SOPs नहीं फॉलो कर रहे, तो यहाँ छापा पड़ेगा तो ये सारा कुछ जो है वो बंद हो जाएगा। दूर दूर रह के नहीं ना हमसे बात ही नहीं बनती भाई, करें रोड के दरमियान में बैठक सीन फुल ऑन है, स्क्रू यू कोविड। और ये कह रहे थे कि मवेशी मंडियां जो है वो शहर से दूर रखेंगी, शहर से मराद इनका मेरे ख्याल से बस इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद से बाहर निकाल दिया, वो भी जो से सेक्टर रावलपिंडी में आते हैं उसको कंसीडर करके उसमें अंडर डेवलप्ड हैं या अनडेवलप्ड हैं उसमें इन्होंने मवेशी मंडी सेटअप कर दिया। लेकिन आई कैन गारंटी यू जब ईद करीब होगी ये पूरी रोड भरी हुई होगी, मवेशी मंडी बनाई होगी उसको, और बाइक के अलावा तो कोई सीन नज़र ही नहीं ना आएगा, गाड़ियों वाले जलील हो जाएंगे।